हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर स्टेक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक वेबसाइट तो हमने बनानी, मैंने बना के आपको बता दी है कैसे बनाते हैं, तो उसको सिक्योर यानी SSL सर्टिफिकेट कैसे इसमें इंस्टॉल करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में हमारी साइट rstake.in है, इसके आगे सिंपली क्या करना है हमें इसको ओपन करना है। ये देखिए मेरी सिक्योर है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। पहले क्या था, मेरा अनसिक्योर यहाँ पे शो कर रहा था और कोई भी अगर सर्वर पे जाके मैं खोलता तो उसमें वो नोटिफिकेशन शो करता अनसिक्योर का। तो यहाँ पे हम www.rstake.in यहाँ पे /login पे क्लिक करेंगे तो हमारी वर्डप्रेस पे ये लॉगिन पे हमें ये पेज ले जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में हमें क्या है, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद में हमें क्या करना है, टूल्स के अंदर जाना है, इंस्टॉल है, प्लग्स के अंदर जाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है यहाँ पे हमें इंस्टॉल नहीं है ऑलरेडी, यहाँ पे हमें एड एन यू पे क्लिक करना है। प्लगइन के पास में एड एन यू का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे हमें एड एन यू पे क्लिक करने के बाद में हमारे यहाँ पे SSL आपको यहाँ पे टाइप करना है। SSL यहाँ पे टाइप करने के बाद में सबसे पहले रियल सिंपल SSL आपको एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवा रहा है, इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा हमें, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे rstake.in यहाँ पे टाइप करके वो इंस्टॉल होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार साइट ओपन करके यहाँ पे हमें सी पैनल खोल लेते हैं। सी पैनल खोलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सिंपली अपने वेबसाइट को टाइप नाम टाइप करके सी पैनल खोल लें और लॉगिन कर लें अपना सी पैनल। सी पैनल लॉगिन करने के बाद ही हमारा SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे हमें क्या है कि हमारा जो सी पैनल है, ये मेरा सी पैनल है जो कि ओपन हो गया है, तो नीचे चलना है हमें। नीचे चलने के बाद में यहाँ पे SSL यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे स्टेटस देखना है। तो मेरा स्टेटस है वो क्लियर हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है सब पे, जो कि मेरे लोग बता रहे हैं यहाँ पे लोग ग्रीन बता रहा है। तो आपके ये पे रेड आएगा क्योंकि सर्टिफिकेट अगर इंस्टॉल नहीं है। तो SSL वापस क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद में यहाँ पे मैनेज SSL साइट पे क्लिक करेंगे। इस पर करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे सेलेक्टेड डोमेन नेम, यहाँ पे डोमेन नेम है वो आपको चूज़ करना है अपना, जो कि हमारा जो पर्टिकुलर डोमेन नेम है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है तो एक्टिव का एक्टिव नाम पे क्लिक कर दूंगा। एक्टिव होने के बाद में एक्टिव SSL यहाँ पे मेरे क्या है, ऑलरेडी मैंने ट्राई किया तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे कि मेरा 65% यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, ये इसलिए हुआ कि मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था। तो एक्टिव करने के बाद में हमें क्या करेगा, आपको प्राइवेसी एंड की का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, उसके अंदर मैनेज के अंदर अपना खुद का कुछ भी या डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करना है यहाँ पे आपको। यह रियल सिंपल SSL आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जो सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पे शो कर देगा, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। तो हमें सिंपली यहाँ से रियल सिंपल SSL पर कॉपी करके यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। पहले डोमेन नेम चूज़ करना है, यहाँ पे ऑटोफिल बाय डोमेन यहाँ पे क्लिक नहीं करना है हमें। सर्टिफिकेट पे यहाँ पे क्लिक करके हमें वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे जो कोड शो करेगा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा ये कोड यहाँ पे करना है। प्राइवेसी की का कोड यहाँ पे आपको नीचे शो करेगा, वो भी आपको इसमें बताएगा, तीनों साथ में बताएंगे आपको। सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन बोर्ड ये भी आपको नीचे शो करेगा, वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद में सिंपली हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके इसे एक्टिव कर लेना है। तो ये एक्टिव हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन यहाँ पे वो कॉपी करके यहाँ इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो सर्टिफिकेट इंस्टॉल आपका हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में हमें क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिव भी हो जाएगा। आपकी साइट पर एक्टिव दिखाना स्टार्ट कर देगा, लॉक जो बना हुआ है, मेरे साइट पर भी लॉक बना हुआ है, उस तरीके से आपका भी लॉक बना हुआ स्टार्ट हो जाएगा। अगर और भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो मुझे मेल आईडी पे मुझे मेल, मैं मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है जो कि मेरी rstake की है, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, उस पर आप जाके इंस्टॉल यानी आप सेंड कर सकते हो मुझे मेल विद स्क्रीनशॉट के साथ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सेकंड बात आ रही है कि हमारे जो मेन चीज़ होती है एडसन अप्रूवल के लिए, वो होती है प्राइवेसी एंड पॉलिसी, इसे टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें ये इंस्टॉल करना भी ज़रूरी होता है। तो ये सॉफ्टवेयर है आपको सिंपली ये मैंने जो नाम टाइप किया है यहाँ पे ये टाइप करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में इसे एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद में यहाँ पे हमें जनरली एक फॉर्मूला है जो कि हमें फिल करना है, वो इज़ द ओनर ऑफ द साइट। तो मैं मेरा नाम यहाँ पे सुनील चौधरी यहाँ पे लिख दूंगा। यह लिखने के बाद में हमें क्या, हमारे एड्रेस लिखना है। तो जसनगर, यहाँ पे मैं नागौर का हूँ तो जसनगर, यहाँ पे नागौर मेड़ता सिटी टाइप करके मैं यहाँ पे मेरा मेड़ता सिटी यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं रखना है। तो मेड़ता सिटी यहाँ पे नागौर, यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो पूरा फिल कर लें। राजस्थान से हूँ मैं तो राजस्थान यहाँ पे टाइप कर लूँगा।
यहाँ पर टाइप करने के बाद में यहाँ पे मैं इंडिया लिख दूंगा पीछे, भाई ये हमारा कंट्री है तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो इंडिया यहाँ पे नीचे टाइप करने के बाद में हमें कंट्री पे चूज़ करना है इंडिया। यहाँ पे डू यू रेफर योर कुकीज़ पॉलिसी एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट, यहाँ पे यस रहने देना है। सिंपली आपको स्टेप बाई स्टेप जो भी आपको इसमें बताइए वो आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको और भी कुछ समस्या आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे मेल आई डी पर मेल कर सकते हो विथ स्क्रीन शॉट, मैं उसका रिप्लाई आपको 24 आवर्स में वापस दे दूँगा आपको। यहाँ पर अपनी जो भी आई डी है डोमेन की वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मेरी helpdesk@rstech, इस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं इस पर रिवर्स दे दूँगा। तो यहाँ पे URL टू योर कुकीज़ पॉलिसी यहाँ पे ये छोड़िए, ऐसे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद कंटेंट है ये, कंटेक्ट में यहाँ पे नो कर लेता हूँ। यहाँ पे जनरली कुछ नहीं है, यहाँ पे जनरली को डिटेल से पूछ रहा है आपसे। मेरा टेक का वेबसाइट है तो मैं उस हिसाब से आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। अगर आपका अदर कोई ब्लॉग वगैरह यानी ट्रैवल का है तो उस हिसाब से आप उस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल भी कर सकते हो। कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है, स्टेप बाई स्टेप आपको नेक्स्ट का बटन करते जाना है, ये आपको ओपन ही हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो ये प्राइवेसी और पॉलिसी क्यों जरूरी है, ये गूगल एडसन जब अप्रूवल देती है तो उसमें ये मैंडेट है कि आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी का एक पेज आपका क्रिएट होना चाहिए। एक आपका कॉन्टैक्ट का होना चाहिए, एक प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए और एक आपका नीचे कॉपीराइट का होना चाहिए। तो सिंपली हमें अगर अप्रूवल चाहिए एडसन अकाउंट का, गूगल एडसन जो कि एड्स आपको शो करेगा आपके तो मोनेटाइज के लिए कि आपको रिक्वायर्ड करेगा, तो हम सिंपली इसे क्रिएट करना भी मैंडेट है। तो सिंपली हमें कॉपीराइट का भी यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे और रिटर्न का हमारा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर लेंगे। नो करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमें क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन, यानी यहाँ पे हमारा पेज जो है वो कौन से नाम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हो या प्राइवेसी एंड पॉलिसी रख सकते हो। इसे करने के बाद में यहाँ पे प्राइमरी भी सेलेक्ट कर लेना अपना और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे ओपन टर्म्स एंड कंडीशन वाले पे क्लिक करना है। ये आपका पेज क्रिएट हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। तो ओपन टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करते ही आपका ये क्या है कि यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको एक बार शो करेगी। तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशन वापस क्लिक करेंगे। वापस क्लिक करने के बाद में ये हमें हमारा वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशन का यहाँ पे पेज क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आप पेज क्रिएट कर सकते हो विद एक्टिवेशन के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये होना भी ज़रूरी है। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो इसमें भी तो मुझे मेल आईडी पे मेल करके आप बता दीजिए। स्क्रीन शॉट आप साथ में ज़रूर भेजिए कौन सी दिक्कत आ रही है, फिर मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा आपसे और आपका जो भी इश्यू होगा वो मैं रिजोल्व करके आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।